कैसे हैं। मैं प्राण सर, आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल प्राण रेजुलेशन सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2। इससे पहले हम लोग 5 का 1 अपलोड कर चुके हैं, पहले आप लोग वह बोलिए देखिए, उसके बाद 5.2 से हम लोग वीडियो को देखना शुरू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे 5.2 का वीडियो। तो ये है 5.8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन का जो है प्रूफ करना है cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a इक्वल टू 2 sec। इसमें हम लोग इसमें देखेंगे कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि इसमें पहले LHS व्यू LHS करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a। इसमें करना क्या है कि नीचे वाला को हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस sin a cos a cos a। अब देखना ये है कि यहां पे क्या है 1 प्लस sin a है और यहां भी 1 प्लस sin है, तो ये 1 प्लस sin a से 1 sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया cos a, और ये cos a इस cos a के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos स्क्वायर a। दो कोस मिलेगा तो क्या होगा दो कोस यानी कोस स्क्वायर प्लस इसमें है कोस ए से कोस ए कैंसिल, जो बच गया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपस में मिलकर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं इसको कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रहा है, वो कौन सा आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हम लोग क्या करेंगे इस आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर के लिए यहाँ पे ये a है ये b है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab है, तो 2 इंटू a के जगह में 1 और बी के जगह में साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को अरेंज करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब क्या है यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से यहाँ पे गारंटी बन रहा है, ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हम लोगों का 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इतने गुण का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 का 1 से स्क्वायर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2, तो इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए 2 sin a 1 plus sin a cos a 1 plus sin a cos a। अब देखना क्या है यहाँ पे 2 plus 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है 2 और ये 2, तो कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो बच गया क्या 1 plus 2 बाहर आ गया बच गया यहाँ पे sin a divide 1 plus साइन ए कोस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, कैंसिल होके बचेगा 1 इंटू ऊपर में 1 आ गया 1 बाय कोस ए 2 इंटू। अब एक फॉर्मूला है सेक ए, सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाय कोस ए। ये आइडेंटिटी है सब, इतना भी हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी को हम लोग अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला 1 बाई कोस के लिए सेक, दोनों को साथ में लिख देते हैं
टू सेकेंड, और यही हमें क्या करना था, आरएचएस प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों ने यह वीडियो समझ लिया होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।